शहर का प्रतिष्ठित सोना चांदी व्यापारी मोनू मेहता डिब्बा किंग निकला। क्राइम ब्रांच उज्जैन की टीम ने प्रोबेशनर आईपीएस विनोद कुमार मीणा, एसडीओपी पुष्पा प्रजापति, थाना प्रभारी रविंद्र यादव ने मोनू मेहता के खपावास स्थित मकान पर दबिश दी और कोना कोना खंगाला। इस दौरान सत्ताधारी दल के लोगों ने पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश भी की, हालांकि किसी की भी नेतागिरी नहीं चली। पुलिस ने मोनू मेहता के यहां से 1,54,000 रुपए नकद और सट्टे का रिकॉर्ड जब्त किया है। सोना चांदी व्यापारी मोनू मेहता के खबावास स्थित मकान पर दबिश की पटकथा दोपहर से ही तैयार हो गई थी, जिसे अंजाम तक पहुंचते पहुंचते देर रात हो गई। दोपहर से ही क्राइम ब्रांच उज्जैन की टीम खाचोद पहुंची तो इसकी भनक किसी को भी नहीं लगी। क्राइम ब्रांच के प्रभारी प्रोबेशनर आईपीएस विनोद मीणा की गाड़ी सीधे टारगेट वाले स्थान पर पहुंची और 1,54,000 रुपए नगद एवं सट्टेबाजी का रिकॉर्ड जब्त किया। विनोद कुमार मीणा ने मीडिया को बताया कि मोनू मेहता लंबे समय से सट्टे का संचालन कर रहा है, उसके डिब्बा कारोबार की भी सूचना थी। रविवार रात मोनू मेहता के घर पर दबिश दी, जहां से हमें रिकॉर्ड मिला। इसके साथ ही नगद 1,54,000 रुपए नगद भी जब्त किए। मोनू मेहता अपने एक लड़के को सट्टे की आईडी देता था और वह लड़का अन्य लोगों को सट्टे की आईडी देता था। संबंधित युवक को पकड़ा गया है, उसके मोबाइल से सट्टे की आईडी और हिसाब किताब मिला है। दबिश के दौरान मुख्य आरोपी मोनू मेहता फरार हो गया। पुलिस ने बुद्ध मार्ग स्थित मोनू के घर पर दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया और करीब 2 घंटे तक छानबीन की। उज्जैन पुलिस की दबिश का पता खाचरोद पुलिस को भी नहीं था। दबिश के बाद थाना प्रभारी रविंद्र यादव और एसडीओपी पुष्पा प्रजापति पहुंची। आईपीएस मीणा ने बताया, बुद्ध मार्ग निवासी मोनू मेहता क्रिकेट और एमसीएक्स का अवैध कारोबार कर रहा था। मोनू सोना चांदी की दुकान के आड़ में लंबे समय से क्रिकेट सट्टा व अवैध वायदा कारोबार संचालित करता था। उज्जैन पुलिस ने 5 साल पहले भी मोनू को पकड़ा था। एमसीएक्स वायदा का लंबे समय से संचालन कर वह वारे न्यारे कर रहा था। शहर के कई नामचीन लोगों का नाम भी पुलिस को रिकॉर्ड में मिला है। ये हमको काफी लंबे समय से सूचना थी कि एक मोनू मेहता नाम का एक व्यक्ति है जो व्यापक तौर पर अवैध सट्टे का कार्य चलाता है, संचालित करता है। इसके साथ साथ हमें सूचना डब्बे की भी थी कि ये डब्बे का भी अवैध संचालित किया करता है काफी लंबे समय से। तो सूचना के आधार पर हमने इसके घर पर दबिश डाली, जहाँ से हमें रिकॉर्ड मिला अवैध सट्टा करने का। इसके साथ साथ हमने वहाँ से 1,54,000 के आसपास नकदी भी सीज की है। साथ में ये जिसको आईडी दिया करता था, जिस लड़के को आईडी दिया करता था, जो इसके बिहाफ पे 3-4 लड़के इसमें कर रखे थे, जो इसके बिहाफ पे अवैध सट्टे का संचालन किया करते थे, तो उनमें से एक व्यक्ति को भी हमने पकड़ा है और उसके मोबाइल से भी हमको व्यापक तौर पर आईडी और उसमें हिसाब किताब सट्टे का जो संचालित किया करते हैं वो सब कुछ हमें मिला है। फरार ये जो व्यक्ति है जिसके घर पर हमने सट्टे की दबिश दी है, फरार है और अभी इसकी तलाश जा रही है। आगे क्या कार्रवाई होगी सर इसमें? अभी वो फिलहाल फरार है, तो अभी हम उसकी दस्तियाबी करेंगे। इसके साथ साथ इसमें जो भी एविडेंस अभी हम कलेक्ट करेंगे, जो भी और नाम इसके अंदर आएंगे, जो भी जैसे डब्बे की भी सूचना हमें है उसके बेसिस पे कुछ मिलेगा तो उसकी भी हम कार्रवाई करेंगे।